जी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हमने दो एडजस्टमेंट देख ली हैं। पहली तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम एक निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम देख चुके। दूसरे नंबर पर हम वैल्यूशन देख चुके हैं किसका, वैल्यूशन देख चुके हैं हम किसका, गुडविल का। ठीक है, आज जो हमें नंबर तीन पे बात करनी है वो है हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट। रिवैल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा सर? बिल्कुल सेम बनता है जैसे हमारा एडमिशन में बना करता था। जिस बच्चे को एडमिशन में आता है उसे रिटायरमेंट में कुछ खास सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस वो लास्ट में डिवाइड कैसे होता है ये हमें देखना है, और कुछ नहीं करना इसमें। जिसको रिवैल्यूशन नहीं आता सर वो क्या करे, कुछ नहीं, आ जा जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिवैल्यूशन अकाउंट आपने बनाना सीखा होगा, नहीं सीखा तो आज सीख लेते हैं। लिखा रिवैल्यूशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट का तो पता ही है। हाँ जी सर, तो बस यही याद रखना है बेटा, और कुछ याद नहीं रखना। ये अमाउंट यहाँ पर आप बस लिख कर छोड़ दो, अमाउंट ही चलो। ठीक है, पर्टिकुलर्स आपको पता ही है डेबिट और क्रेडिट में। करना क्या होता है ध्यान से सुनना, मेरी एसेट्स और मेरी लाइबिलिटीज में, इन दोनों में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। हम उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बस इतनी सी बात है, ये बात आप ध्यान रखो, यानी कि मेरे एसेट में या लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सुनो, एसेट बढ़ी या घटी इस बात को देखने के बाद ये पता लगा लो कि तुम्हारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, पता लगा लो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लाइबिलिटीज घटी या बढ़ी उसके बाद में ये पता लगा लो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में डाल देना, अगर आपका प्रॉफिट जिसे हम इनकम भी कहते हैं अगर होता है तो आप क्रेडिट साइड में डाल देना, और लॉस होता है तो आप उसे डेबिट में डाल देना। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर कि इनकम से इधर डाल देना या प्रॉफिट बोल लो आप, आपकी समझदारी के लिए है कुछ भी, एक्सपेंसेस जो हों या लॉस जो हो उसे आप इधर डाल देना। ठीक है, बस, और हमें इसमें कुछ नहीं करना। सर एक छोटा सा एग्जांपल चलो ले लेते हैं। मान लो आपकी कोई एसेट 20,000 रुपये की थी, बिल्डिंग को मान लेते हैं, कितने की थी सर? 20,000 की, लेकिन एडजस्टमेंट में वो वैल्यूड हो गई अब 25,000 की बिल्डिंग अब जो माननी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर माननी है आपको 25,000 रुपये। तो बट ऑब्वियस है 5,000 रुपये से ज़्यादा हो गई हमारी एसेट्स, 5,000 रुपये से जो हमारी एसेट ज़्यादा हो गई तो इनकम हो गई, इनकम हमारे क्रेडिट में आ जाएगी। किस नाम से? बाय बिल्डिंग के नाम से, बाय बिल्डिंग के नाम से 5,000। ठीक है, बस ध्यान रखना टोटल अमाउंट को नहीं कंसिडर करते, ना तो ओल्ड को करेंगे ना न्यू को करेंगे, जो चेंज आया है उसे करेंगे, जो बदलाव आया है उसे, जो डिफरेंस आया है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इतना आप नोट करिए, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन कोई देख लेंगे जिसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट आ रही होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ध्यान रखेंगे इनकम और प्रॉफिट कहाँ पर आ जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंसेस या लॉस होगा तो वो कहाँ आ जाएगा? आपका डेबिट साइड में। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं सॉरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, दो दो एक का वो पार्टनर्स में जो रेशियो है वो डिवाइड करते हैं। बी डिसाइड्स टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2018। बी ने डिसाइड करा है रिटायर लेने के लिए 31 मार्च 2018 को। ऑन द डेट ऑफ इज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपियर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। उन्होंने उनकी कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखा रखी हैं आपको, क्रेडिटर्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड डेटर्स 20,000 रुपीज़। ठीक है, द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। कुछ नीचे जो एडजस्टमेंट है उन पर एग्रीड हुए, ठीक है, वो कौन हुए? अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में वो जो है एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर बता रहे हैं।
कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर, वो अब हमें देखने हैं। इन्होंने ए से लेकर एफ तक के पॉइंट्स बताए हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट। हम डायरेक्टली रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और साथ के साथ ही मैं आपको एंट्रीज बताता हुआ चलूंगा। एंट्रीज बनाऊंगा नहीं, ठीक है, एंट्रीज बनाएंगे तो दुगना टाइम लग जाएगा। एंट्रीज आपको आती हैं ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, नहीं भी आती हैं तो आप एडमिशन वाले चैप्टर में जाइए, मेरे चैनल पर ही आपको एडमिशन का चैप्टर फुल मिल जाएगा, उसमें आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ हम डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों को आता है उनके साथ गलत होगा, उनका टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है इसमें, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं कि बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हुई है। बिल्डिंग की कीमत क्या थी भाई, 1,00,000 रुपये। बिल्डिंग की कीमत क्या है, ऊपर देखो 1,00,000 रुपये, तो 20% इसका कितना होगा, 20,000। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ सर, एप्रिशिएट कह रहा है यानी कि इंक्रीज हुआ, हमारी इनकम हो गई, ठीक है, हमारे लिए फ़ायदे की बात है। बाय बिल्डिंग के नाम से 20,000 रुपीज़ यहाँ रिकॉर्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएशन लगाना है, 40,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से, 4,000 रुपये से, ध्यान रखना 4,000 रुपये से, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, प्लांट एंड मशीनरी थी 40,000 की, उसका हमें 10% देना था डेप्रिशिएशन, तो वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये से। डेप्रिशिएशन माने एक्सपेंसेस, ये आप लॉस कह लो, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा रिवॉल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% का डेटर्स पर हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। डेटर्स हैं 20,000 के, तो ये भी एसेट में प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, तो लिख दो यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, लिख कर छोड़ देता हूँ, हालांकि लैंग्वेज आनी चाहिए फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर DD भी आप लिख सकते हो। तो 20,000 का कितने परसेंट कह रहे हैं भाई, 5%, तो 1,000 रुपये यहाँ पर निकल करके आएगा। 20,000 का 5% 205,000, ठीक है, 200 × 5 = 1,000 आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000। ये थोड़ा सा ना समझो इस चीज़ को कि इन्होंने टू बी वैल्यूड लिखा है, टू बी वैल्यूड का मतलब क्या होता है समझो, इन्होंने लिखा है कि स्टॉक जो है टू बी वैल्यूड एट कितना बोल रहे हैं अमाउंट, ये 18,000 रुपीज़। कौन सा है, रॉ मटेरियल की बात इन्होंने अभी करी है। रॉ मटेरियल की पुरानी वैल्यू क्या थी, रॉ मटेरियल की पुरानी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20,000। अब एक बात समझो, 18,000 से चेंज नहीं आया है क्वेश्चन में, बात समझना। स्टॉक कितने का था रॉ मटेरियल का, 20,000 का, उन्होंने बोला स्टॉक टू बी वैल्यूड, यानी कि अब ये वैल्यूड करा गया है कितनी अमाउंट पर, 18,000 पर, तो इट मीन्स चेंज कितने का आया है, 2,000 रुपये का। कोई एसेट हमारी 20,000 की थी बट वो अब 18,000 की मानी गई है, तो बट ऑब्वियस है कि कितने का चेंज आया है इसमें, 2,000 रुपये का। 2,000 से कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हो गई एसेट, खर्चा हो गया, गलत मतलब एक नेगेटिव साइन दे रहा है हमें, तो टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख दो। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिनिश गुड्स 35,000 के इन्होंने वैल्यूड करें, जबकि फिनिश गुड्स की वैल्यू थी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की कोई एसेट थी हमारी, उसे हमने 35 की अब वैल्यूड कराया, माना है कि हाँ वो 35 की है, तो 5,000 रुपये से प्रॉफिट हो गया टू स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, 5,000 रुपये से रिकॉर्ड करेंगे, ना 20,000 से और ना 25,000 से सर। क्यों, क्योंकि चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं, टोटल अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होती, वैल्यू जितने पर कराया, चेंज जितने का आया उसको हमने रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। 5,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर ई में कह रहे हैं एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वो सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया, कोई एसेट थी जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ का मतलब हमने उसे ख़त्म कर दिया कि अब ये हमारे लिए वैल्यू लेस है। लेकिन मान लो वो क्या हो गई, बिक गई, सोल्ड हो गई, उस समय 2,000 रुपये निकल आए, तो हमारे लिए तो फायदे की बात है, कैश आ गया हमारे पास। एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो कैश टू रिवॉल्यूशन एंट्री आएगी, ध्यान रखना,
2000 रुपये से। आप कंप्यूटर को क्रेडिट नहीं कर सकते बिकॉज कंप्यूटर अकाउंट्स में है ही नहीं, कंप्यूटर आपके अकाउंट्स में है ही नहीं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है कंप्यूटर नाम की कोई चीज़, रिटर्न ऑफ है, कोई एसेट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन जब हम देख रहे थे तो 2000 रुपये हमारे निकल करके आए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2000 रुपये का आपका कैश आया। कैश कौन किस चीज़ से लिखोगे, ब्रैकेट में करके लिख देना आप, कंप्यूटर से आया, बस बात ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सर ये इनकम है? बिल्कुल सही बात है, 2000 रुपये यार एज स्क्रैप हमें मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए फ़ायदे की बात है। पॉइंट नंबर एफ, फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंज्यूर्ड एम्प्लॉई। कोई एम्प्लॉई था, उसको कोई इंज्यूरी वगैरह हो गई थी, यानी कि कोई लॉस हो गया था, तो फर्म को भुगतान करने पड़े 5000 रुपये, हमारे लिए लॉस की बात है। तो टू एन इंज्योर्ड एम्प्लॉय लिख दें, टू इंज्योर्ड एम्प्लॉय कितने रुपए? 5000 रुपये सर, 5000 रुपये हैं सर, बिल्कुल सही है। टोटल निकालो, आंसर करते हैं बस इसका, और कुछ नहीं करना अब हमें इसमें। इसी तरीके से आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं फुल लेंथ के, जब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक दो एडजस्टमेंट कोई एक्स्ट्रा होगी उसे हम झेल लेंगे। ठीक है, 20000 पहले देख लो एक जरा ओवरव्यू सा, क्रेडिट ही ज़्यादा आ रहा है तो 20, 5, 25 और 2 27000 रुपये, 27 ही इधर लिख लेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 4 और 1 5 2 7 और 5 12, तो 27 माइनस 12 ये आ रहा है 15000 रुपीज़, इसका आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो गेन लिख लो या प्रॉफिट लिख लो, टू गेन लिख करके छोड़ दो बस इसे। ठीक है, टू गेन या प्रॉफिट लिख कर छोड़ दो। सर एंट्रीज वगैरह की अगर बात आ जाए प्रॉफिट की, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान एंट्री है। किस में बटेंगे? तीनों पार्टनर्स में बटेगा, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ एक जा रहा है तो उसी को मिलेगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में आप इसका प्रॉफिट बांटेंगे। क्या एंट्री लाएंगे सर? देखो गेन हुआ है हमें, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का हुआ है? 15000 का, टू ए टू बी और टू सी कैपिटल अकाउंट। अब वो नाम कुछ और भी हो सकते हैं, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, क्या रेशियो था? 2:1 का था, 2, 2, 4 और 1, 5, तो 2/5, 2/5, 1/5, 15000 है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 6, 6 और 3, नहीं 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 सही है, 3 2 6 और 3 2 6 और 3 1 3, 6 12 और 3 15000 रुपये से आपकी ये प्रॉफिट वाली एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। कंप्लीट है, आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड देन उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स बनाने पर और बैलेंस शीट बनाने पर। चलिए, थैंक यू बच्चों।